Good morning, dear friends. This is a brand new day, and I bless you all in the name of the Lord Jesus Christ. सुप्रभात मेरे मित्रों, और ये एक नया दिन है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको आशीषित करता हूँ. Let us continue the meditation we started on Tuesday. और आइए हम अपने उस मनन को निरंतर जारी रखें जिसकी शुरुआत हमने मंगलवार को करी. We are considering on this topic how God tests our faith. और हम इस विषय में बात कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर हमारी विश्वास की परीक्षा लेता है. We found out there are four different ways he tests our faith. और हमने इस प्रकार से देखा कि किस प्रकार से चार अलग-अलग तरीकों से हमारे विश्वास की परीक्षा ली जाती है. और उसमें से पहली बात का हमने मनन कर लिया है, which is the test of the unknown, जो है परीक्षा एक अज्ञात की. And I hope you remember what we. और मुझे पूरी आशा है कि आपको याद होगा जो मनन या जो बात हमने किया. And now in verse 9 of Hebrews chapter 11. और अब इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय 9वें वचन में हम बढ़ते हैं. We have this. By faith he went to live in the land of promise, as in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promise. विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया. What was the test here? और यहाँ पर क्या परीक्षा थी? The test of delay. कि वो परीक्षा थी इंतजार की या देरी की. See, you remember, dear friends, that God has promised Abraham a promised land. और याद रखिए मेरे प्रिय मित्रों कि परमेश्वर ने इब्राहिम को एक वाचा का, एक मिरास का देश वाचा में वादा किया. And that land will be an inheritance for Abraham and all his descendants. और ये भूमि, ये जमीन इब्राहिम और उसके वंशजों के लिए उनकी ठहरेगी. But he could not possess it. लेकिन अभी तक इब्राहिम उस पर कब्जा ना करने पाया है. Who? Abraham. Abraham. He lived in tents as a sojourner and a stranger in a foreign country. लेकिन वो तो परदेश में एक परदेशी के समान तंबुओं में वास किया करता था. And days and weeks and months and years were going. और दिन और सप्ताह और महीने और साल बीतते जा रहे थे. And he might have easily given up and returned back home. और वो बड़ी आसानी से हार मान सकता था और हार मान कर वापस घर की ओर आ जाता. But he, along with his children, tarried, awaiting God's time. लेकिन वो अपने बच्चों के संग इंतजार करता रहा कि परमेश्वर के समय का. Now often the test of faith, test of delay, comes in connection with prayer. और कई बार ये इंतजार की या ये देरी की परीक्षा आती है प्रार्थनाओं के साथ. How often? Because the answer does not come when we expect. We are tempted to say, I will not pray anymore. और कितनी बार हम इस बात को देखते हैं कि प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता तो हम ये कहते हैं कि अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगा. You remember Martha and Mary. और आपको याद होगा मार्था और मरियम के विषय में. Lazarus was sick. और लाजरस उनका भाई बीमार था. And apparently the sisters knew that this was not ordinary fever. और बहनों को पता था कि ये कोई आम बुखार नहीं है. And he grew worse. और उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब होती गई. And in the beginning itself they sent an urgent message to Jesus Christ, their best friend. और शुरुआत में ही दोनों बहनों ने लाजरस के प्रिय मित्र और उनके प्रिय मित्र यीशु मसीह को संदेश भिजवा दिया था. The message said, और संदेश ये कहता था, Lord, the one whom you love, our brother, is sick. कि हे प्रभु, जिससे तू बहुत प्रीति रखता है, तेरा मित्र हमारा भाई लाजरस बीमार है. He needs you. और उसे तेरी आवश्यकता है. And we all need you. और हम सबको तेरी आवश्यकता है. But Jesus didn't come. लेकिन यीशु नहीं आया. They waited 1, 2, 3 days. और 1, 2, 3 दिन वो इंतजार करते रहे. Then Lazarus died. और उसके पश्चात लाजरस की मृत्यु हो गई. And they buried him. और लाजरस को दफनाया गया. Jesus never turned up even then. और तब भी यीशु नहीं आया. 2 days, 3 days passed. 4 days passed when they buried. Since they buried Jesus. और I mean Lazarus. लाजरस को दफनाए जाने के 4 दिन के पश्चात. And Jesus was not inside. इन 4 दिनों के बाद भी यीशु नहीं आया. But then, before that 4th day is ended, Jesus arrived. लेकिन उससे पहले कि उस 4थे दिन का समाप्ति होती यीशु का आगमन हुआ. Meanwhile, तब तक all their hopes and all their expectation from Jesus all vanished. और तब तक उनकी सारी आशाएं, उनकी सारा विश्वास यीशु से खत्म हो चुका था. And as they were resigning to the situation and to the loss of their brother. और जैसे कि वो उस परिस्थिति में ढालने को खुद की कोशिश कर रहे थे जो कि उनके भाई की मृत्यु थी. Suddenly Jesus appeared. अचानक से यीशु आ जाता है. And as soon as he came, और जैसे ही वो आता है, notice what they said. और देखिए वो क्या कहते हैं. Lord, प्रभु, you are too late. आप तो बहुत देरी से आए हैं. You are too late. आप बहुत देरी से आए हैं. If only you had been here, our brother and your friend would have been alive. और अगर सिर्फ आप यहाँ पर होते तो हमारा भाई और आपका प्रिय मित्र लाजरस जीवित होता. And perhaps Jesus then must have asked, show me the grave. और तब तक यीशु ने उनसे पूछा कि मुझे उसकी लाजरस की कब्र दिखाओ. And so they went to the grave. और इसलिए वो उस कब्र के पास गए. And then he said, remove the stone. और उसने कहा उस कब्र के पत्थर को वहाँ से हटा दो. And then Martha and Mary spoke again. और फिर से मार्था और मरियम ने बोला, well, Lord, don't do it because it is the 4 days since his body is in that grave. कि प्रभु रबी ऐसा मत कर क्योंकि ये तो 4 दिन बीत चुके हैं लाजरस की शरीर को वहाँ पड़े हुए. And by now the body is decaying badly, and there will, if the moment you open, remove the stone, a very unbearable odor will come. और जैसे ही आप उस पत्थर को हटवाएंगे, उस कब्र के पत्थर को एक बहुत गंदी बदबू से ये स्थान भर जाएगा. But Jesus nevertheless told him. लेकिन फिर भी यीशु ने उनसे कहा, Didn't I tell you, if you believe, you will see the glory of God? यीशु ने उन्हें उत्तर में कहा कि क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था, अगर तुम विश्वास करो तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे. So they removed the stone. और इसलिए उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया. You know what happened? और उसके पश्चात अब आपको पता है क्या हुआ. यीशु ने लाजरस को पुकारा. With a loud voice, Lazarus, come forth. एक ऊंची आवाज में यीशु ने चिल्लाकर कहा, लाजरस बाहर निकल आ. Here comes Lazarus. और उस कब्र से लाजरस बाहर निकल आता है. The test of delay. और वो परीक्षा जो कि इंतजार की या देरी की है. And this test is very difficult to handle because we come to a point where we are ready to give up faith and give up waiting. और इस प्रकार की परीक्षा बड़ी कठिन होती है क्योंकि हम इंतजार नहीं करना चाहते और अपने विश्वास में भी हार मान लेते हैं. And I think, dear friends, I am sure that it happened to you and it happens many of us. और मेरे प्रिय मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके साथ और हम में से कईयों के साथ ऐसा हुआ है. We pray for a very serious problem. और हम एक गंभीर विषय के लिए प्रार्थना करते हैं. Or a very serious need. या एक बड़ी ही गंभीर आवश्यकता के लिए. First day we pray. एक दिन हम प्रार्थना करते हैं. Nothing happened. उस पहले दिन कुछ नहीं होता. And 2 days. और दूसरे दिन हम प्रार्थना करते हैं. Nothing happened. कुछ नहीं होता. And the 3rd day. और तीसरे दिन. Again we prayed. फिर से हम प्रार्थना करते हैं. Nothing happened. कुछ नहीं होता. And slowly intensity of our prayer keeps going down. और धीरे धीरे हमारी प्रार्थनाओं की जो तीव्रता है वो कम होती चली जाती है और उसके बाद हम संपूर्ण रीति से उसे रोक देते हैं। So that is the danger of delay. और यही वो खतरा है कि जब हम उस देरी को नहीं इंतजार कर सकते। We come to believe that God is not interested in answering this prayer, and so we quit. और हम ये विश्वास करने लगते हैं कि परमेश्वर को कोई इस पर भरोसा नहीं कि वो हमारी इन प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, इसलिए हम उन प्रार्थनाओं को करना छोड़ देते हैं। And very often it happens. और कई बार ऐसा होता है that we stop right when the answer is at our door. कि कई बार हम तब रुक जाते हैं जब उस प्रार्थना का उत्तर हमारे दरवाजे पर ही होता है। Dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, if you believe that our God is what He said He is. अगर आप इस बात पर विश्वास करें कि आपका परमेश्वर वो है जो वो कहता है, then delay may be a problem with us, but it is not a problem with God. तब देरी हमारे संग एक समस्या हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई समस्या नहीं। He comes at His time. वो अपने समय पर आता है। And His time is always the best time. और उसका समय हमेशा सबसे उत्तम समय होता है। So there is a song that says. और एक गीत है जो इस प्रकार कहता है। Isn't it wonderful? क्या ये अद्भुत नहीं? That when Jesus is 4 days late. जब यीशु 4 दिन देरी से है। He is still on time. लेकिन फिर भी वो समय पर है। Hallelujah. Hallelujah. He can still call out the disappeared possibility. वो अभी भी देरी में भी उस मिट गई असंभावनाओं को दोबारा वापस बुला सकता है। So don't give up. और इसलिए हार ना माने। Keep praying. प्रार्थना करते रहें। Keep trusting. और भरोसा करते रहें। And keep expecting. और परमेश्वर से आस लगाए रखें। God's time come. और जब परमेश्वर का समय आएगा, and it will happen. वो होगा। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। May this word today increase your patience and your faith. होने दे ये वचन आज के दिन आपके धीरज को और आपके विश्वास को बढ़ाए। आमीन। आमीन। This is a great day, my friends. मेरे प्रिय मित्रों, ये एक महान दिन है। Have a great day. एक महान दिन। At the end of this day. और इस दिन के अंत में। You are encouraged. आप प्रोत्साहित हैं। You will carry on. और आप आगे बढ़ेंगे। You will go to the next day. और आप अगले दिन में जाएंगे। And expect something to happen. और आशा लगाएं कुछ नया होगा। Very often. कई बार। When we do not expect anything. जब हम कुछ आशा नहीं लगाते कि होगा। And we are ready preparing to leave. और जब हम तैयार होते हैं हार मारने के लिए। That's a moment. वही वो क्षण है जब परमेश्वर आएगा। So don't miss it. तब आप हार ना माने। Amen. Amen.